हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर 39, दैट इज टेम्परेरी इंजंक्शन। तो टेम्परेरी इंजंक्शन एग्जैक्टली करने से पहले हम एक फ्लो ऑफ ऑर्डर्स समझेंगे। फ्लो ऑफ ऑर्डर्स जो है वो मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स वाले उसमें बना रखा है। तो इसमें है, देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, यानी कि वो ऑर्डर्स जो बीच में पास करता है कोर्ट, वो ऑर्डर्स या वो ऐसी चीजें क्यों पास करता है, क्योंकि उसको जरूरत होती है ताकि उन चीजों का, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन है किसी लैंड के ऊपर, कोई इशू चल रहा है। अगर लैंड के ऊपर इशू चल रहा है तो उस लैंड में अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसे रुकवाना पड़ेगा। उस चीज के लिए इंटरलॉक्यूटरी जो ऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं। अब इन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स जो हैं वो कहाँ डील किए गए हैं? वो डील किए गए हैं ऑर्डर नंबर 38, ऑर्डर नंबर 39 और ऑर्डर नंबर 40। ऑर्डर नंबर 38 हमने कर लिया है, ऑर्डर नंबर 40 भी हमने कर लिया है। इस जगह हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर 39। ऑर्डर नंबर 38 में है अरेस्ट एंड अटैचमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, एक ए है, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन है ए, उसने आपकी प्रॉपर्टी जो है ले ली है, तो उसको क्या कर लिया है, उसे प्रॉपर्टी लेने के लिए उसको अरेस्ट कर दिया है और प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। बाकी उसमें क्या है, एक बिल्डर है, उसने उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेकर के वर्क चला रहा है। तो अब उस बिल्डर को रोकने के लिए इंजंक्शन आ गया या इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स आ गए, किसमें? ऑर्डर नंबर 39 में। और फिर इसके बाद उस जमीन में क्या है, रेंट भी आ रहा है, उसमें और भी चीजें हैं, तो उससे क्या है, रिसीवर्स अपॉइंट कर दिए हैं, किस लिए? ताकि वो रेंट उसका लेते रहें। इस हिसाब से हमारा जो है ये फ्लो ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट होता है। तो अब हम आते हैं ऑर्डर नंबर 39 के ट्रिक्स पे, ठीक है। ऑर्डर नंबर 39 के ट्रिक्स है, पहले तो देखिए इसकी हेडिंग है टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि टोटल नंबर 10, टोटल 10 रूल्स आते हैं। 1 to 5 तक आते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन और 6 to 10 आता है इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स, ठीक है। अब ऑर्डर नंबर 39 जो है उसको करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं ये सेक्शन नंबर 94। सेक्शन नंबर 94 क्या बोलता है? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस, पर्पस क्या है, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बींग डिफीटेड, द कोर्ट में इफ इट इज सो प्रिस्क्राइब्ड क्या कर सकता है, ऑर्डर नंबर 38, 39 या 40 कर सकता है, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर नंबर 39 किस में आता है? सी, ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसोबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ टू द सिविल प्रिजन। टेम्परेरी इंजंक्शन भी कर सकता है और सिविल प्रिजन भी भेज सकता है, एन ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच्ड एंड सोल्ड, उसकी प्रॉपर्टी अटैच और सेल की जाए, वो ऑर्डर नंबर 38 में है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 39E में भी आता है, मेक सच अदर इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स। ये क्या है? सेकेंड पार्ट है, ये है बी पार्ट। पहला क्या है? इंजंक्शन, ये है ए पार्ट। दूसरा है बी, क्या है? बी किस में आता है? ई में आता है 94 के। मेक सच अदर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स एज मे अपियर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। क्या कोर्ट को दिखते हैं? अरे यार, ये तो जस्ट है और ये कन्वीनियंट भी है, ठीक है, जस्ट और कन्वीनियंट होने चाहिए। अब ऑर्डर नंबर 39 की ट्रिक्स है कि टेम्परेरी इंजंक्शन, पहले तो फर्स्ट वाला आता है कि केसेस, केसेस जहाँ पे टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है वैसे वो केसेस हैं। सेकंड ये है कि इंजंक्शन, इंजंक्शन किस चीज़ का? इंजंक्शन तो मिलेगा ही, किस चीज़ का मिलेगा? तो पहला मिलेगा रिपीटिशन पे मिलेगा, रिपीटिशन, रिपीटिशन। नॉर्मली हम रिपीटिशन किस चीज़ में करते हैं? रिपीट एग्जाम्स होते हैं ना हमारे कॉलेजेस वगैरह में, तो उस रिपीट एग्जाम्स को लेकर के एक मार्क्स आया 10 में से, तो ये रिपीटिशन है। और ये क्या है? कंटिन्यूएंस। ये जो एक, ये ऐसी घड़ी है, एक तरह से ऐसा टाइमर है जो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ। कंटिन्यूएंस किस चीज का? ब्रीच का, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इंजेक्शन बनाया है मैंने, इट इज अ बिट फनी बट देखिए, इंजेक्शन, इंजेक्शन बनाया क्या दिखाने के लिए? इंजंक्शन बनाने के लिए। इस चीज का, किस चीज का इंजेक्शन होगा? रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2A पे। 2A क्या है, ठीक है, 2A बोलता है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। क्या है? ब्रीच ऑफ किस चीज का? 2 का, रिपीटिशन या फिर कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। इसका क्या है? इस चीज का जो इंजंक्शन हुआ है इसका ब्रीच हो रहा है, तो इसका ब्रीच हो रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? ब्रीच किस चीज का हो रहा है? रूल 2 का हो रहा है, 39 के रूल 2 का हो रहा है, बस ये है। देन थर्ड क्या है? अब देखो, अगर कोर्ट के पास आप बोलते हो कि कोर्ट 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 साहब, इसको क्या है, आप इंजंक्शन लगवा दो, तो कोर्ट जो है वो सिर्फ सिंगल पार्टी की बात सुन करके तो इंजंक्शन लगवाएगा नहीं, दूसरी पार्टी को क्या कर देगा? नोटिस करेगा। ये दूसरी पार्टी है, इसको रेड में बनाया है, उसको क्या करेगा? नोटिस करेगा। किस चीज का नोटिस करेगा? इसी चीज का कि इंजंक्शन हो रहा है, इंजंक्शन से पहले ही, ठीक है, इस चीज का नोटिस करेगा। देन रूल 3A आता है। 3A ये बोलता है कि
कोर्ट टू डिस्पोज एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज. 30 डेज के अंदर जो है कोर्ट क्या कर देगा, डिस्पोज कर देगा. क्या? एप्लीकेशन डिस्पोज कर देगा 30 डेज के अंदर. कितने दिनों में? 30 डेज में. देन रूल 4 है, ऑर्डर फॉर इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज वैरिड और सेट असाइड. अब देखो ऑर्डर क्या है, इंजंक्शन के लिए आप बोलोगे कि आप ऑर्डर कर दो, कोर्ट को बोलोगे, तो जरूरी थोड़ी है वो इंजंक्शन कर ही देंगे. या तो वो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे, या तो उसको सेट असाइड कर देंगे. ऑर्डर फॉर इंजंक्शन जो है, मान लो ऑर्डर आ गया, उसको क्या है, डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, वैरिड भी किया जाता है, सेट असाइड भी किया जा सकता है. ठीक है. देन इसका जो रूल 5 है ये बोलता है, इंजंक्शन टू कॉरपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिस. अब कॉरपोरेशन पे अगर इंजंक्शन कर दोगे तो वो उसके ऑफिस पे बाइंडिंग होता है. इतना है. अब हम आते हैं इसके लिटरेचर पे, टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स. तो इसका जो टेम्परेरी इंजंक्शन वाला पार्ट है, अभी हमने इसकी ट्रिक्स कवर की है, इसमें है केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड. टेम्परेरी इंजंक्शन कौन कौन से केसेस में ग्रांट हो सकता है, तो ये ऐसे केसेस में ग्रांट हो सकता है. देखिए इसमें क्या लिखा है, वेर इन एनी सूट इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज. कैसे प्रूफ करना है, एफिडेविट या फिर और किसी तरीके से, जैसे भी प्रूफ होता है. एट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड. क्या है, डेंजर है किस चीज का, बीइंग वेस्टेड. ठीक है, डैमेज्ड एलियनेटेड मींस किस चीज का डर है, डर है कि वो चीज खराब कर देगा. बाय एनी पार्टी टू द सूट और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. ठीक है, किसी को रॉन्गफुली अगर बेच दिया गया, या तो उस पार्टी को, या तो वो सामने वाली पार्टी, जैसे पोजीशन है ना उसके पास, तो वो रॉन्गफुल है. ठीक है, मैंने बताया था एक एग्जांपल की है, किसी के पास एक प्रॉपर्टी है, ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वो किसी और के, ए के पास एक प्रॉपर्टी है और वो डिस्प्यूटेड है, और ए ने क्या है पोजीशन में दे दिया किसी और को, बिल्डर को, तो बिल्डर को आप करवाओगे ना इंजेक्शन, वही है. देन नेक्स्ट है बी, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंड्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ. क्या करता है डिफेंडेंट, क्या करता है, थ्रेटन्स और इंटेंड्स. अब क्या, पहला तो क्या है कि पहला तो डर लग रहा है, दूसरा ये है कि अब तो वो डरा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं इसे खराब कर दूंगा, धमकी दे रहा है. ठीक है, क्या चीज की, रिमूव डिस्पोज या फिर डिफ्रॉडिंग इस क्रेडिट, यानी कि उसके क्रेडिट, यानी कि उसकी वैल्यू जो है उसको कम कर देना. देन नेक्स्ट है सी, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोज द प्लांटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लांटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट. क्या है, डिफेंडेंट क्या करता है, थ्रेटन करता है, डरा रहा है कि वो डिस्पोज कर देगा. क्या कर देगा, डिस्पोज द प्लांटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लांटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट. ठीक है, इंजरी कर देगा. इसमें क्या है, द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट ए टेम्परेरी इंजंक्शन. कोर्ट क्या कर सकता है, ग्रांट कर सकता है टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट और मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग. टेम्परेरी ऑर्डर किस लिए दे सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है इस चीज को, भैया ऐसा तुम मत करो, या फिर क्या कर सकता है, कोई और ऑर्डर दे सकता है क्या वो करने के लिए, स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग. स्टे कर सकता है, प्रिवेंटिंग कर सकता है उसके वेस्टेज, डैमेज सेल रिमूवल डिस्पोजिशन और डिस्पोजिशन ऑफ द प्लांटिफ और अदरवाइज कॉजिंग इंजरी टू द प्लांटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट. ठीक है, अब इसका जो कमेंट्स है आपको अगर इंटरेस्ट है तो खुद से पढ़ लेना. देन नेक्स्ट है रूल नंबर 2, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच. ये वही है हमने किया था ना कि रिपीटेशन क्या, एक नंबर आए हैं 10 में से, या फिर कंटिन्यूएंस, वो जो आर ग्लास होता है, हाँ उसको कंटिन्यू करते रहो. ठीक है, वही कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच हो गया. इसमें क्या है, इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड. ठीक है, ऐसा कोई सूट है, वेदर कॉम्पनसेशन इज क्लेम्ड इन द सूट और नॉट, द प्लेंटिफ मे एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एंड ईदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी इंजंक्शन. टेम्परेरी इंजंक्शन आप कब कब लगा सकते हो, देखो कभी भी लगा सकते हो. ठीक है, क्यों लगाना है, ये तो आपको पता चल गया कि यार वो चीज तुम्हारी प्रॉपर्टी खराब कर रहा है. अब ऐसा तो है नहीं ना कि जजमेंट आ गया उसके पहले वो प्रॉपर्टी खराब कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि बाद में भी वो प्रॉपर्टी खराब कर रहा हो, है ना. तो इस चीज के लिए वेदर कॉम्पनसेशन इस चीज के लिए क्या है, सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच के लिए और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड, वेदर कॉम्पनसेशन इज क्लेम्ड इन द सूट और नॉट, और प्लेंटिफ मे एट एनी टाइम आफ्टर ये एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द सूट, सूट के कमेंसमेंट के बाद, जजमेंट के पहले. ठीक है, अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी इंजंक्शन. देखो जजमेंट के पहले ही होगा, जजमेंट के बाद क्यों नहीं होगा, जजमेंट के बाद तो डिक्री ही आ गई ना. ठीक है, टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी.
कंप्लेंट देखो, या तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या फिर वो इंजरी हो सकती है, ऑफ और एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी ऑफ अ लाइक काइंड, किसी भी काइंड की एनी लाइक काइंड अराइजिंग आउट ऑफ सेम कॉन्ट्रैक्ट और रिलेटिंग टू द सेम प्रॉपर्टी और राइट। ठीक है, ये सिंपली है कि देखो जजमेंट के पहले, देखो फाइनली जो है ना जजमेंट, उसके पहले कोई भी टाइम पे अगर ऐसा उसको लग रहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी खराब कर सकता है तो क्या कर दो, इंजंक्शन कर दो, इंजंक्शन करवा दो। ठीक है, नेक्स्ट है द कोर्ट में बाई ऑर्डर ग्रांट सच इंजंक्शन ऑन सच टर्म्स एज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इंजंक्शन कीपिंग एन अकाउंट गिविंग सिक्योरिटी और अदरवाइज एज द कोर्ट थिंक्स फिट। इसमें क्या है, कोर्ट क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर से ग्रांट कर सकता है इंजंक्शन, और कौन से टर्म्स पे कर सकता है। अब देखो, एक तो वो ड्यूरेशन बता सकता है, कैसे बता सकता है, कीपिंग एन अकाउंट गिविंग सिक्योरिटी और अदरवाइज एट द कोर्ट। देखो कोर्ट को जैसा सही लग रहा है, कोर्ट थिंग्स फिट, कोर्ट विल डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट है रूल 2A। तो रूल 2A है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। अब देखो कोई कोर्ट है, उसने क्या कर दिया, अपना इंजंक्शन कर दिया कि हाँ ठीक है इंजंक्शन है, अब उसकी ब्रीच हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, डिसोबीडियंस ऑफ एन इंजंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा। तो कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कोई भी डिसोबीडियंस हो जाएगा तो कोर्ट क्या कर सकता है, मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसोबीडियंस और ब्रीच टू बी अटैच। कोर्ट क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये सिविल कोर्ट है, ठीक है, या तो उसे सिविल प्रिजन में डाल देगा या तो उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा, तो यही है अटैच कर देगा या फिर उसे सिविल प्रिजन में भेज देगा, है ना। ठीक, ऑल्सो एक और चीज है कि कोई भी अटैचमेंट ऐसे नहीं बनाया जाएगा, 1 साल से ज्यादा अटैचमेंट नहीं होगा, कितना, 1 साल से ज्यादा का अटैचमेंट नहीं होगा। और फिर इसके अटैचमेंट के खत्म होने के बाद जो है ना, एट द एंड ऑफ विच टाइम इफ द डिसोबीडियंस ऑफ ब्रीच कंटिन्यूज द प्रॉपर्टी अटैच मे बी सोल्ड एंड आउट ऑफ द प्रोसीडिंग्स द कोर्ट में अवार्ड सच कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन दे दिया जाएगा क्या, देखो 1 साल के लिए प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर ली गई है, और अटैचमेंट के बाद भी अगर जो है डिसोबीडियंस दिखाया जा रहा है तो उसके बाद भी क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी सेल करके कॉम्पेंसेशन दे दिया जाएगा। देखो कोर्ट को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, कोर्ट को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसलिए वो क्या करेगा, 1 साल के लिए ही प्रॉपर्टी लेगा। देन इसके बाद आ जाता है रूल 3। रूल 3 क्या है, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। अब क्या है, इंजंक्शन है, पर इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले क्या है, दूसरी पार्टी को भी नोटिस दिया जाएगा, क्यों, ऑडी अल्टरम पार्टम। अब क्या है ना, जनरली क्या होता है, दूसरी पार्टी को क्या होता है, नोटिस दिया जाता है, पर कम नहीं दिया जाता है, एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड बी डिफीटेड बाय द डिले। क्यों नहीं दिया जाता है, कि अरे बहुत देर हो जाएगी दूसरी पार्टी को नोटिस देने में, आप पहले ही इंजंक्शन कर लो, नहीं तो नोटिस दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड ऑल्सो ये भी होता है कि अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो रिकॉर्ड रीजंस करेंगे, रिकॉर्ड द रीजंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, ये क्या करता है, रिक्वायर करता है एप्लीकेंट को नोटिस, क्या नोटिस क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ठीक है, नोटिस में क्या होगा, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन। ठीक है, एक तो देखो रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह से भेजी जाएगी, और उसमें क्या क्या होगा, कॉपी हो जाएगा किस चीज का, इंजंक्शन के लिए। अब देखो एप्लीकेशन, तुमने क्या किया, एक सूट किया, सूट है, अब उस सूट के बाद आया तो उसमें क्या कर दिया तुमने, एप्लीकेशन डाल दिया इंजंक्शन का, तो क्या है, अ कॉपी ऑफ द प्लेंट, प्लेंट की कॉपी आ गई, फिर इंजंक्शन के एप्लीकेशन की कॉपी आ गई, इंजंक्शन के एप्लीकेशन के साथ अब एफिडेविट भी डालते हो ना, किस चीज का, सपोर्ट करने के आप लिए अपने एप्लीकेशन को, आपने एफिडेविट बनवा लिया है ना। फिर इसके बाद क्या हो गया, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच द एप्लीकेंट रिलाइज। तुम इन शॉर्ट तुम हर चीज जो भी तुम्हें प्लेन से मिल रहा है और जिसमें भी लिखा हुआ है इंजंक्शन करवाने के लिए, इंजंक्शन करवाने के द्वारा काको के लिए, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है वो तुम अटैच कर दोगे। देन इसके बाद नेक्स्ट है सब क्लॉज बी। इसमें क्या है, टू फाइल ऑन द डिले ऑन विच सच इंजंक्शन इज ग्रांटेड और ऑन द डे इमिडिएटली फॉलोइंग दैट डे एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कॉपीज एफोरसेड हैव बीन सो डिलीवर्ड और सेंट। क्या है, टू फाइल ऑन द, अब देखो ये एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डिले के साथ क्या क्या फाइल करना है, वही है कि टू फाइल ऑन ऑन द डे ऑन विच सच इंजंक्शन इज ग्रांटेड और ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कॉपीज एफोरसेड हैव बीन सो डिलीवर्ड। ठीक है, कॉपीज जो है वो डिलीवर हो चुकी हैं, बस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है रूल 3A, कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज। क्या है, 30 दिन के अंदर कोर्ट जो है एप्लीकेशन सॉरी इंजंक्शन ग्रांट कर देगा, उसका सुनवाई कर लेगा, और अगर वो अनेबल होता है, अगर वो सुन नहीं पाता है, तो इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर सच इनेबिलिटी। अपने जो रीजंस हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है रूल 4। रूल 4 में हमने क्या किया था, ऑर्डर फॉर इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज वैरिड और सेट असाइड। क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, वैरिड हो सकता है, सेट असाइड हो सकता है, क्यों, ऑन एप्लीकेशन मेड By party dissatisfied with such order। कौन सी, वो जो रेड कलर से हमने एक बनाई थी ना पार्टी, ठीक है, अगर वो डिससेटिस्फाइड है, ठीक है,
ये ऑपोजिट पार्टी थी ना, अगर वही पार्टी जो है नोटिस आ गया पार्टी के पास कि रूल 3A पे देखो आपके पास नोटिस आ गया, रूल 3 पे ठीक है, अब रूल 3 पे आपके पास नोटिस आ गया तो रूल 4 पे आप बोलो अरे ये तो ऐसा नोटिस आया, आप डिससेटिस्फाई हो जाओ और आप फिर इसके बाद इसके ऑर्डर के लिए करवा लो ठीक है। अब इसमें क्या ऑल्सो प्रोवाइडेड कि ये भी प्रोवाइड होता है कि फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट अगर उसमें है तो कोर्ट शैल वेकेट, कोर्ट क्या कर देगा, वेकेट कर देगा इंजंक्शन अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड कंसिस्ट ठीक है। अब क्या प्रोवाइडेड दैट इफ एन एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन और एनी एफिडेविट सपोर्टिंग सच एप्लीकेशन अ पार्टी हैज नॉलेज मेड नोइंगली मेड अ फॉल्स, यार किसी ने तुमने झूठा 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 लिख दिया है कि अरे ये सामने बी पार्टी जो है वो खराब है, ये है वो है, तो अब ऑब्वियसली उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन ऑर्डर फॉर इंजंक्शन हैज बीन पास्ड आफ्टर गिविंग टू अ पार्टी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, सुन लिया गया है द ऑर्डर शैल नॉट बी डिस्चार्ज वैलिड और सेट असाइड ऑन एप्लीकेशन ऑफ दैट पार्टी एक्सेप्ट वेयर सच डिस्चार्ज वेरिएशन सेटिंग असाइड हैज बीन नेसेसिएटेड बाय अ चेंज। देखो तुमको सुन लिया गया है, सुन करके कोर्ट सेटिस्फाई हो चुका है, अब फिर सामने वाले ने एप्लीकेशन डाल दी है तो वो तभी सही होगा जब उन पता चले कि अच्छा नेसेसिटी है इस चीज को बदलने की, बहुत ज्यादा जरूरत है इन द सर्कमस्टांसेस और अनलेस द कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट द कोर्ट हैज कॉज्ड अनड्यू हार्डशिप टू दैट पार्टी। देखो दूसरी पार्टी है, अब देखो सामने वाले, मैंने बताया था ना एक एग्जाम्पल दिया था, ए वाली पार्टी है वो उसके उसने पोजिशन दे दी है, अब पोजिशन दे दी है उधर कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है पर उसकी वजह से और भी चीजें रुक गई हैं, बहुत सारी चीजें रुक गई हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी थी ठीक है, तो इसलिए क्या है उस चीज को हटा दिया जाएगा कि ठीक है यार अब तुम अपना इंटेंशन हटा दो। देन रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 जो है वो बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है कि कॉरपोरेशन अगर बाइंडिंग है, कॉरपोरेशन में अगर कोई भी इंटेंशन सर्व किया गया है तो उसके मेंबर्स ऑफिसर्स पे भी वो इंटेंशन बाइंडिंग होगा ठीक है। क्यों बाइंडिंग होगा, क्योंकि वो क्या है ना अपने पर्सनल एक्शन के लिए है उसमें। तो इसके साथ अब हम लोग जाते हैं इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स पे। नॉर्मली देखिए इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स जो हैं वो रूल नंबर 6 से लेकर के रूल नंबर 10 तक आते हैं, ये ज़्यादा है नहीं, ये किस चीज़ के लिए, जस्टिस के लिए हैं ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स हैं। अब इसमें क्या है पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल, ये क्या है कोई प्रॉपर्टी आई है अब उसके पास ये है कि ठीक है चलो इसको सेल कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि वो खराब हो रही है कुछ हो रहा है ठीक है, उसकी पावर रहती है। दूसरी चीज़ क्या है डिटेंशन प्रिजर्वेशन या इंस्पेक्शन सब्जेक्ट मैटर, अब कोई चीज है सेल करनी है उसको या तो डिटेन कर लो, प्रिजर्व कर लो, इंस्पेक्ट कर लो ठीक है, उस चीज से रिलेटेड है सब्जेक्ट मैटर, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, प्रॉपर्टी हो, मूवेबल मूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसका क्या है डिटेंशन, डिटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं ठीक है। अब इसको जब आप और डीपली पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन रूल नंबर 8 है नोटिस, क्या है नोटिस किस चीज का, एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर्स टू बी आफ्टर नोटिस, नोटिस दिया गया है एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर्स टू बी आफ्टर नोटिस। अब देखो कोई भी ऑर्डर है, देखो नोटिस हमने किधर पढ़ा, हमने नोटिस रूल नंबर 3 में भी पढ़ा था ठीक है, नोटिस दिया जाएगा और इसमें भी हम लोग 1, 2 और 3 थर्ड वाले में ही आ गए, हम लोग इधर भी नोटिस कर रहे हैं ठीक है। रूल नंबर 9 है व्हेन पार्टी मे बी पुट इन इमीडिएट पोजिशन ऑफ द लैंड ठीक है, पार्टी जैसे ये पार्टी है ये क्या है लैंड है, इसके इमीडिएट पोजिशन में कर दिया गया है। नेक्स्ट रूल नंबर 10 है क्या है डिपॉजिट ऑफ मनी सेटर इन कोर्ट, अब तुमने ये सारा काम कराने के लिए क्या करना है मनी जो है वो डिपॉजिट करना है कहाँ पे, कोर्ट पे, ये देखिए मैंने गुल्लक बनाई हुई है और इसमें पैसा बनाया हुआ है बट इसमें क्या है ना कोर्ट पे डिपॉजिट करना है ओके। इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स, इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स में रूल 6 से 10 है, तो इसका रूल 6 है पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल, अब इंटरिम सेल यानी कि बीच में कोई भी सेल कर दो, क्या है इसमें क्या करता है कोर्ट, ऑर्डर क्या कर सकता है सेल ऑर्डर कर सकता है ठीक है, किस चीज की मूवेबल प्रॉपर्टी की या फिर अटैचमेंट कर सकता है किस चीज की जिसकी स्पीड या नेचुरल डिके हो जाए, तो ऐसी चीजों के लिए कोर्ट क्या कर सकता है ऑर्डर कर सकता है, कब कर सकता है अगर कोई पार्टी क्या करे एप्लीकेशन दे ठीक है, या फिर एक और चीज कर सकता है जस्ट एंड सफिशियंट हो तो सोल्ड एट वंस, उसको क्या है कि एक बार में सेल कर दो, ये कोर्ट कर सकता है ठीक, क्यों, क्योंकि एक पार्टी जो है वो उनसे बोल रही है एप्लीकेशन दे रही है ठीक है। अब रूल नंबर 7 है डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट ठीक है, अब इसमें क्या है डिटेंशन प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन, अब ये कैसे हो सकता है कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी टू अ सूट एंड ऑन सच टर्म्स, अब देखो ये जो ऑर्डर नंबर 39 है ना ये एप्लीकेशन ऑफ पार्टी पे चल रहा है, एप्लीकेशन करोगे तो ये होगा, एप्लीकेशन नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकती है मेक एन ऑर्डर फॉर द डिटेंशन प्रिजर्वेशन ऑन इंस्पेक्शन ठीक
ठीक है, इस चीज का ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस, किस चीज के लिए, अगर कोई पर्पज है ठीक है, तो उसको ऑथराइज कर सकते हो किस चीज के लिए, कि एंटर कर सकते हो कि ठीक है तुम उस प्रॉपर्टी में एंटर कर जाओ, मान लो किसी को कुछ काम है और उसमें एंटर करना है ठीक है, या फिर क्या है पर्पस, दूसरा पर्पस क्या है, ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑफ एविडेंस, अगर एविडेंस लेने के लिए कोई जा रहा है तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हो, सैंपल ले सकते हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। अब इसके लिए क्या है, आपको क्या है, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि क्या करवाना है आपको, है ना। नेक्स्ट चीज है, अब देखो, द प्रोविजन एज टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस शैल अप्लाई म्यूटैंडस म्यूटैंडस टू पर्सन ऑथोराइज टू एंटर अंडर दिस रूल। क्या है, नेसेसरी चेंजेस करने के लिए ऐसा होगा, प्रोविजन एज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए क्या है, नेसेसरी चेंजेस, किस चीज में, पर्सन ऑथोराइज टू एंटर अंडर दिस रूल, उस चीज के लिए है। एक सेकेंड रुकिएगा, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8। क्यों रूल नंबर 8 है, रूल नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, अब रूल नंबर 8 है, एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर्स टू बी आफ्टर नोटिस। अब देखिए कोई ऑर्डर है, अब उसको क्या है, नोटिस के बाद ही कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन पहले तो आता है, एप्लीकेशन उसके बाद आता है नोटिस। एप्लीकेशन क्या है, एन एप्लीकेशन बाय द प्लांटिफ फॉर एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और 7 मे बी मेड, ठीक है, एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। कब कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकता है, कौन कर सकते हैं, प्लेंटिफ। बट अगर डिफेंडेंट की बात आए, डिफेंडेंट कब कर सकता है, आफ्टर अपेयरेंस। अब देखो डिफेंडेंट जो है वो तुरंत नहीं आ जाता है, तो वो कब, उसके अपेयरेंस के बाद ही वो ऐसे कर सकता है। अब एक और चीज है, नोटिस क्या करना है, नोटिस कर देना है ऑपोजिट पार्टी को डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट करना है नोटिस ऑपोजिट पार्टी को। बट अगर ऐसा हो कि फॉर द ब्रेविटी ऑफ द टाइम जरूरत है इस चीज के लिए कि अगर नोटिस दिए बगैर ही करना है, तो वो भी हो सकते हैं, उसके लिए क्या है, कोर्ट को अपने रीजन देने होंगे। देन है रूल नंबर 9, व्हेन पार्टी में बी पुट इन इमीडिएट पोजिशन ऑफ लैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, ठीक है। अब देखो इमीडिएट पोजीशन में पार्टी को रख दिया, अब देखो कोर्ट किसी को भी किसी चीज का पोजीशन इमीडिएट पोजीशन नहीं दे देगा, क्यों देगा, अब उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है, मान लो जैसे कोई जमीन है, उस जमीन में मान लो कोई जमीन है या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, एरियर्स है, जो क्या है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और वो ए के अंडर में है, और ए क्या है उसके टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे, कोर्ट जो है वो उस प्रॉपर्टी को दूसरी पार्टी को दे देगी जो उस पार्टी को क्लेम कर रहा है, प्लस वो उसके टैक्स ले रहा है, क्या है वो ना क्लेम कर रहा है, ठीक है, ये क्लेम कर रहा है प्लस उसके टैक्स डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू पोजिशन, ठीक है, उसको पोजिशन दे दिया जाएगा दूसरी पार्टी को। तो इसमें वही है कि बी पुट इन इमीडिएट पोजिशन ऑफ द लैंड, ठीक है, और इसके बाद क्या है, डिफॉल्टर ऑफ द, अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसको कोर्ट को जैसा लगता है वैसा वो उसको करेगा, या तो उसको पैसे के लिए बोलेगा कि तुम्हें इतने इतने पैसे देने हैं, कोई भी सजा दे सकता है, ठीक है, उसके एज उसके अगेंस्ट क्या है, डिग्री पास करेगा। अब रूल नंबर 10 है डिपॉजिट ऑफ मनी एक्सेट्रा इन कोर्ट। अब देखो वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट इज मनी और सम अदर थिंग, क्या है, या तो मनी है या तो कोई भी चीज है केपेबल ऑफ डिलीवरी, ठीक है, एंड एनी पार्टी देयर टू एडमिट दैट ही होल्ड सच मनी, कोई भी पार्टी का करती बोलते कि हाँ आई हैव दैट मनी और अदर थिंग एज अ ट्रस्टी फॉर अनदर पार्टी और दैट इज बिलोंग और इज ड्यू टू अनदर पार्टी, द कोर्ट में ऑर्डर द सेम टू बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट और डिलीवर्ड टू सच लास्ट नेम पार्टीज। कोर्ट क्या करेगी, ये जिसके नाम का पैसा है उसको डिलीवर कर दो विद और विदाउट सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू द फर्दर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, फर्दर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट के सब्जेक्ट में क्या है। अब देखो इसका पर्पस क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, सूट का मनी है अदर थिंग है, किस लिए, एनी पार्टी देयर टू एडमिट दैट ही होल्ड सच मनी और अदर थिंग एज अ ट्रस्टी फॉर अनदर पार्टी। अब देखो ये ट्रस्टी से रिलेटेड है, ठीक है, उधर लास्ट सेक्शन किससे रिलेटेड था, उधर कंपनी से रिलेटेड था, इधर किस चीज से रिलेटेड है, अगर कोई किसी का ट्रस्टी है तो उसे वो चीज वापस डिलीवर कर दो, बस ये उस चीज से रिलेटेड है। इसी के साथ जो है हमारा ऑर्डर नंबर 38 कंप्लीट होता है, और सॉरी ऑर्डर नंबर 39 कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अब इससे ज्यादा लेंदी ना हो जाए तो प्लीज इसे तुरंत लाइक शेयर कमेंट कुछ भी करिए, और इसके एमसीक्यूज भी आप एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, पास्ट ईयर एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और थैंक यू एंड थैंक यू एंड प्लीज कम बैक अगेन।